हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं डोरिस आप सबों का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ, डोरिस व्लॉग्स में। और मॉर्निंग का अभी टाइम हो रहा है करीब 5:45, और मैं फ्रेश होके आ गई हूँ नाइट ड्रेस सब चेंज करके। मैंने मॉर्निंग रूटीन जो मैंने डेली का सुबह का जो भी काम काज होता है उसको करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 5:45 हो रहा है, फिर भी से आज बारिश वाला मौसम के चलते ना अंधेरा सा ही लग रहा है। यहाँ पे देखिए मैं पर्दा सब भी खोल दी हूँ, फिर से भी मैंने रोशनी नहीं आ रही है बाहर, क्योंकि हफ्ते भर से बारिश होके ना हालत ख़राब हो गया है। कपड़ा सब भी नहीं सूख रहा है, मैंने अच्छा नहीं लग रहा है इतना बारिश में भी। धूप और बारिश दोनों होने से ठीक लगता है, घर का काम काज में भी साफ़ सफाई करने में भी ठीक रहता है। लेकिन यहाँ पर तो मैंने दिन भर बारिश हो रहा है, रात को भी बारिश हो रहा है। तो यही है अभी का अपडेट। और मैं यहाँ पर साफ़ सफाई करने के लिए अभी फटाफट से लग जाती हूँ। तुरंत मॉर्निंग में ना तुरंत टाइम हो जाता है जैसा लगता है, क्योंकि एक तो टाइम रहता नहीं है मॉर्निंग में, बच्चा का 9 बजे से ऑनलाइन क्लास हो जाता है। तो अभी मैं ये सबको फटाफट रूम सबको साफ कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं उठने के बाद यहाँ पे जो स्पीकर है इसको चार्ज बैठा देती हूँ डेली। मेरा उठने के बाद इधर मैंने होल रूम में आती हूँ ना, तो सबसे पहले मेरा यही काम है स्पीकर को चार्ज बैठाने के बाद, घर और साफ़ सफाई करने के बाद मैं लैपटॉप को भी चार्ज बैठा देती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी का ऑनलाइन क्लास के लिए चाहिए होता है। करीब अभी 9 बजे से क्लास शुरू होगा तो 11:05-10 हो जाता है मैंने क्लास ख़त्म होते, तो उतना तक मुझको चाहिए होता है। तो सबसे पहले मैं टेडी सबको ठीक कर लेती हूँ, और मैंने यहाँ पे जो मैं चादर के ऊपर में ही ये वाला चादर को बिछा दी हूँ, और ये वाला चादर छोटा है क्योंकि मेरा घर में ज़्यादातर वाइट चादर ही है। तो यहाँ पे वाइट सा मैंने जल्दी से गंदा हो जाता है। अभी तो बारिश वाला मौसम है ना, तो धोने के लिए भी नहीं बन रहा है। खैर ये चादर जो बिछाई हूँ मैं तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, मैं मंडे ट्यूसडे को चेंज की थी, पर से भी मैंने बच्चा दिन भर खेलती है ना इस वाले रूम में तो गंदा हो जाता है, तो मैं इसको ऊपर से बिछा के रख दी हूँ। जब धूप करेगा तो मैं दोनों को धो दूँगी एक साथ। तो यहाँ पे मेरा साफ सफाई हो गया बेड का, मैंने बेड का साफ हो गया है। और एक टीवी ना ईहू के चलते मैं अंदर भी नहीं रख सकती हूँ क्योंकि वो खेलती है, लेकिन उसको ये मैंने बेड में ना ये ताम झाम ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने अच्छा भी नहीं लगता है, बट अभी उसके लिए खेलने के लिए भी चाहिए। तो खैर यहाँ पे मैं सारा साफ सफाई करने के बाद जैसे स्पीकर बैठाती हूँ तो यहाँ पे मैं लैपटॉप भी बैठा दी हूँ चार्ज में। अंदर का सारा मेरा साफ सफाई हो गया है। तो और मैंने एक बार सुबह का मैंने झाड़ू पोछा हो जाए ना उसके बाद मैंने बहुत ही रिलैक्स लगता है, बट मैं आज पोछा नहीं कर रही हूँ, अभी बाद में कर लूँगी, बट अभी मैं पोछा नहीं लगा रही हूँ क्योंकि लेट हो जाएगा। और पोछा ना मैं सुबह वो राजीव का उठने से पहले कर ली, फिर मैं योगा करके बैठी थी ऐसे, क्योंकि तुरंत तो नहा नहीं पाऊँगी तो सब्जी काट के नहाने जाऊँगी। यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ और यहाँ पे डायरेक्ट किचन में आ गई हूँ क्योंकि बहुत ही लेट हो जा रहा है। और इबू को राजीव मैंने ब्रश वगैरह सारा करा दे रहे हैं, तो यहाँ पे मैं ब्रेड हम लोग कल ही लेके आ गए थे, और क्योंकि इबू ब्रेड खाऊंगी बोली थी ब्रेड बटर, तो उसके लिए राजीव पे कल लेके आ गए थे ब्रेड बटर शाम को। तो यहाँ पर देखिए मैं ब्रेड शेक ले रही हूँ और सुबह का नाश्ता जो कि इबू दूध ब्रेड खा लेगी आज, पे मेरे लिए भी मैं ब्रेड शेक लूँगी इबू को देने के बाद, क्योंकि राजीव तो चाय बिस्किट ले लेंगे क्योंकि वो खाना ही खा के निकलते हैं सुबह 10 बजे 10:30-11 बजे करीब, क्योंकि मैंने सुबह से जो निकलते हैं और एक ही बार शाम को आते हैं घर, तो भात उत खा के जाने से ठीक रहेगा। तो मैं इसलिए मेरा खाना सुबह ही बना लेती हूँ, तो मेरे लिए भी आसान रहता है और राजीव भी खा के जाते हैं तो मुझको भी रिलैक्स लगता है, क्योंकि नहीं तो फिर खा के नहीं जाने से बाहर का भी सिचुएशन में खाना भी ठीक नहीं है, ज़्यादा वो खाते भी नहीं है, तो मैंने भात खा के जाने से ठीक रहेगा घर का खाना। अपना ब्रेड को थोड़ा
ज़्यादा करके सीखना पड़ता है मुझको, क्योंकि ना इबू को थोड़ा ड्राई वाला ब्रेड पसंद है, बटर डाल के दूध से अच्छा से खा लेती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा करके ये तवा में सेक ली हूँ ब्रेड को, उसके बाद बटर डाल दी हूँ। और यहाँ पे राजीव लैपटॉप सबको भी खोल के रख दे रहे हैं, हम लोग 10-15 मिनट पहले खोल के रख देते हैं, तो टाइमिंग तो सेट रहता है जूम मीटिंग में। इन लोग का क्लास तो जब शुरू होता है तो शुरू होगा, मैंने जब शुरू होता है ना खुलते हैं तो उस टाइम फिर लेट हो जाता है, फिर मैम फिर गुस्सा करेगी, अलाउ नहीं करती है। तो यहाँ पे मैं हम लोग के लिए चाय बना ले रही हूँ, अदरक और लाल चाय बना रही हूँ, अदरक और चीनी डाल दूँगी, यहाँ पे डाल दे रही हूँ। और साथ साथ यहाँ पे ना मैं सब्जी भी बिठा ले रही हूँ दोपहर के लिए, जो मैं काट के गई थी नहाने से पहले, सब्जी भी साइड में बिठा दूँगी, तो मेरा नाश्ता करते भी हो जाएगा। तो ये भूखा मैंने ऑनलाइन क्लास होते एक मैंने चावल को इधर साइड में भिगा दूँगी और सब्जी भी रेडी हो जाएगा, तो बीच में ब्रेक में 10 मिनट में मेरा चावल भी पक जाएगा। उस टाइप से मैंने सुबह का मॉर्निंग का काम करती हूँ। मॉर्निंग में ना इतना हड़बड़ी नहीं भी होता मेरे लिए, क्योंकि सुबह राजीव ऑनलाइन मैंने 11 बजे तक तो घर में रहते ही हैं सुबह का, तो इबू उसके साथ क्लास बैठ देने से मेरा बहुत सारा घर का काम हो जाता। बट इबू ना उसके साथ राजीव के साथ बैठने से बातें करते रहेगी, लिखती नहीं, उसके साथ खेलती रहेगी, तो इसलिए मुझको बैठना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मैं चठेली का सब्जी बैठा दी हूँ, साथ साथ यहाँ पे मैं राजीव के लिए भी चाय दे रही हूँ और चाय बिस्किट। यहाँ पे इबू का नाश्ता हो गया है तो उसको मैं यहाँ पे कंघी कर दूँगी और यहाँ पे मैं उसको बढ़िया से तेल लगा दूँगी, क्योंकि तुरंत ही चूल ड्राई हो जाता है। और अभी इस टाइम में तेल लगा के रखो तो बढ़िया चूल भी अभी ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पे मैं तेल लगा रही हूँ हिमालयन का, क्योंकि इबू का ना जॉनसन एंड जॉनसन का सूट नहीं करता है, जैसे लगा ड्राई हो जाता है तुरंत, तो ये हिमालयन का हम लोग तेल यूज़ करते हैं, क्रीम लोशन और बॉडी वाश सब कुछ हम लोग हिमालयन का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कंघी कर लूँगी और इबू का सुबह का जो भी काम होता है ना उसको करके मैंने अपना नाश्ता उस्ता करने से ना शांति लगता है। आज जैसे भी लेट हो गया, पता नहीं क्यों काम करते करते, बारिश वाला मौसम में ना बाहर भी इतना साफ सफाई करना पड़ता है, पीछे अमरूद का पेड़ है तो इतना गंदा हो गया था मेरा, मैंने गिर के सारा पत्ता अमरूद जो पका हुआ अमरूद सब भी गिर के इतना गंदा दिख रहा था। तो मैं नहाने से पहले उधर झाड़ू वगैरह की धोना पड़ा हमको पाइप लगा के, तो इसीलिए लेट हो गया। तो यहाँ पे इबू को मैं कंघी वगैरह करके, तो उसका टाइम भी हम लोग यहाँ पे लैपटॉप खोल के रख दिए हैं, तो अभी थोड़ा उसको फ़ोन दे दिए हैं, क्योंकि सो के उठ के ही क्लास करती है ना, तो थोड़ा मूड भी ऑफ होता है बच्चा लोग का। तो यहाँ पे मैं नाश्ता मैं अपने मैंने चाय और ब्रेड ही खा ले रही हूँ और यहाँ पे इबू संडे मंडे पढ़ रही है बैठ के, अभी क्लास अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है अभी। और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ डोरिस ब्लॉग में। और अभी सुबह से अभी मैं मिल पा रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि सुबह में भागा दौड़ी मैं बातें नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों से। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और राजीव खाना खा के चले गए हैं, अभी 11:30 हो रहा है और ईबुक ऑनलाइन क्लास भी ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे मैं मछली फ्राई कर ले रही हूँ, लगभग मेरा मछली फ्राई हो गया है और यहाँ पे मैं मछली का माथा फ्राई कर ले रही हूँ। और मैं आज मछली का झोल बनाने वाली हूँ, तो यहाँ पे मैंने काट के रख लिया है ये प्याज, मिक्सी में डालूँगी, और ये टमाटर, और ये मैं आलू और ये बैंगन से आग में झोल करूँगी मछली को। तो आगे का प्रोसेस करते हैं, फिर सारा चीज़ मिक्सी में डाल के फिर मिक्सी में पीस लेती हूँ, फिर दोपहर का लंच मेरा रेडी हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारा मेरा काम है, अभी मैं एक भी फ्री नहीं हूँ, बहुत ही बिजी चल रहा है अभी हम लोगों का, क्योंकि दीपावली का हम लोग का कैंडल सब बनाने के लिए अभी बहुत ही बिजी है हम लोग, यही सब चल रहा है अभी का अपडेट। तो फिर आगे का प्रोसेस करते हैं, फिर मिलते हैं। तो मेरा मछली फ्राई हो गया है, तो यहाँ पे मैं आलू को भी फ्राई कर लूँगी। मछली में आलू बैंगन डाल के पकाने वाली हूँ, सारा मसाला एक साथ करके मिक्सी में पीस लूँगी यहाँ पे मैं। हे गाइस, गुड इवनिंग। तो हम लोग अभी आ गए छत पे और छत बहुत ही गीला हो रखा है, देखिए आई वो गंदा पानी है बेबी। और आते ही इबू को तो पानी दिख गया, तो उसके लिए तो तैयारी हो गया, देखिए लड़की को इवान ठंडा लग जाएगा। तो अभी कहीं इतना रास्ता सब गीला हो रखा है तो कहीं जाने के मैंने रास्ता रोड थोड़ा घूमते हैं शाम को मास्क लगा के।
बट आज ऐसे हालत है ना, रास्ते में बहुत ही कीचड़ भरा है, तो जाने मन नहीं कर रहा है। छत में आ गए हैं अभी, छत से अभी खेल के थोड़ा देर ही जाने के बाद स्टडी करेंगे, इनको स्टडी करवाएंगे, तो फिर जाके नीचे जाके मिलते हैं आप लोगों से। पे मैं छत से आ गई हूँ, मैंने हम लोग आ गए नीचे और यहाँ पे पर्दा वगैरह सारा बंद कर ले रही हूँ। और दोपहर का मैंने सुबह से मैंने खाना रेडी कर रही थी, उसके बाद अभी शाम को मिल रही हूँ मैं आप लोगों से। तो यहाँ पे अभी चाय वगैरह सारा बना लूँगी और ये पर्दा वगैरह सारा मैंने बंद करने के बाद चाय बना लूँगी और इनको भी स्टडी कराना है अभी। और काफ़ी टाइम मैंने चला जाता है, जैसे लगता है आजकल टाइम कम पड़ जा रहा है मेरे लिए। बीच में तो चर्च वगैरह सारा बंद था, तो इसलिए कैंडल का काम भी उतना नहीं हो रहा था मेरा, कभी कभी कर रही थी मैंने जो ये सामने सामने दुकान सब में देने के लिए। तो यहाँ पे अभी मेरा चर्च भी वाटर सब आ रहा है, ऊपर से अभी दीपावली का इतना बनाना है ना, तो अभी टाइम कम पड़ जा रहा है जैसे लगता है मुझको। और आजकल ईवू थोड़ा बड़ी हो रही है ना, तो अकेले नहीं रहती है, उसको खिलौना सब दे के रखती थी पहले, आजकल नहीं, उसके साथ बैठ के खेलना पड़ता है मुझको, तो इसीलिए टाइम काफ़ी चला जाता है मेरे। यहाँ पे ईवू सो के उठने के बाद केक खा के हम लोग ऊपर चले गए थे, तो यहाँ पे अभी मुझको दूध पिला दी हूँ। मकड़ी निकला हुआ है स्पाइडर, तो उसके साथ बात कर रही है बार बार, हम लोग पापा आएंगे तो पीटेंगे बोल के, तो उसको गुस्सा करके भाग जाओ बोल रही है, यहाँ पे अपने अपने बड़बड़ा रही है। मैं चाय पी ले रही हूँ और इबू को भी थोड़ा ब्रेड जैम दे दी हूँ और यहाँ पे स्टडी करने के लिए बैठ गई हूँ। मैं ईवू का मैथ का होमवर्क खुद करा रही हूँ, रैम सोस बोलने के बाद अच्छे से वो बैठ के कर ले रही है। और मैं अकेले रहती हूँ तो बढ़िया से सब चीज़ कर लेती हूँ, राजीव से लुका लगाती हूँ। ये राजीव भी आ गए ड्यूटी से और ईवू के साथ यहाँ पे खेल रहे हैं, पेपर वगैरह में कुछ कुछ कटिंग करके बनाती हूँ, तो वो भी इंटरेस्ट लेती है, काफ़ी अच्छे से खेल लेती है। और हाँ, आप सबों को मैं थैंक यू बोलती हूँ दिल से, क्योंकि मुझको बहुत सारा मैसेज किए हैं आप लोग, मेरा मैंने वीडियो नहीं डल पा रही हूँ तो क्या हुआ बोल के, तो क्योंकि मेरा बीच में तबीयत ख़राब था ना, हफ्ते भर से उसको बुखार था, तो मैं नहीं डाल पा रही थी वीडियो, तो आप लोग मैंने मेरा चिंता किए मुझको पूछे, उसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद थैंक यू बोलती हूँ। तो एक्चुअली ना मैंने अभी का वायरल बुखार सब तरफ इतना है, तो मुझको रात रात को ही बुखार आ रहा था, तो दिन को तो नहीं समझ में आ रहा था, रात को मुझको ज़्यादातर बुखार आ रहा था, तो मैं बहुत ही वीक हो गई हूँ, मैंने वीक लगता है मुझको अभी, तो हफ्ते कम से कम पाँच छः दिन तक मुझको दवा खाने के बाद मैं थोड़ा अभी ठीक हुई हूँ। और अभी बहुत ही ज़्यादा काम है यार, और अभी इस टाइप से मेरा शरीर भी ऐसे हो गया है, तो अच्छा नहीं लग रहा है मुझको। तो आप लोग से भी बोलना चाहती हूँ, अच्छा से रहिएगा अभी ठंडा गर्म का मौसम में ना, तो मैंने बहुत ही तबीयत सब तरफ ख़राब हो रहा है, मैंने सुनने में आ रहा है, तो खाना सब ना कोशिश कीजिए बाहर का ना खा के, आप लोग जो भी बनाते हैं तो घर में बना के खाने के लिए, तो घर का खाना तो अपना साफ सफाई हम लोग बनाते हैं ना, तो घर का खाना हेल्दी होता है। तो आई होप आज का मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।